ये है स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, और स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड की डिजिटल प्रिंटिंग लैनयार्ड है। डिजिटल प्रिंटिंग लैनयार्ड को स्टिचिंग किया जा रहा है। स्टिचिंग करने से जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि जो आपस में खींचने पे जो टूट जाती है लैनयार्ड, ऐसा इसमें होगा नहीं। और ये जो स्टिचिंग किया है उसको एक क्लैंप में लगा के क्लैंप को होल्डर के साथ फिटिंग किया जाएगा। फिटिंग करने के लिए 16 mm का इस लैनयार्ड को 16 mm का क्लैंप की ज़रूरत है, और 16 mm का जो क्लैंप है वो स्टील का, जिसमें जंक नहीं लगता है, जंक प्रूफ है, तो बारिश में भीगे तब भी ये क्लैंप में जंक नहीं लगेगा। तो क्लैंप के अंदर लैनयार्ड को रखने के बाद और उसको जो डाई है, डाई के जरिए उसको फिटिंग किया जाता है, और फिटिंग करने के बाद वो कार्ड रेडी हो जाएगा। तो ये एक अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग आप देख सकते हो। लैनयार्ड को दोनों तरफ प्रिंटिंग किया जाता है, दोनों तरफ प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग होती है, डिजिटल प्रिंटिंग होती है। इसमें 16 mm की साइज और 20 mm की साइज हमारे पास अवेलेबल है। डिजाइनिंग वर्क जो लैनयार्ड का होता है वो यहीं पे हम कर देते हैं, और जो आइडेंटिटी कार्ड के अंदर ग्राफिक्स वर्क है वो ग्राफिक्स वर्क आपको वहाँ पे करके आपको देना रहेगा। अगर पूरा कार्ड रेडी करके आपको यहाँ से बनवाना है तो ग्राफिक्स वर्क जो आइडेंटिटी कार्ड का है वो आपको करके देना रहेगा। तो क्लैंप फिटिंग के बाद अब ये कार्ड रेडी हो जाता है, और ये कार्ड जो है वो क्रिस्टल लिक्विड लेमिनेशन से बनाया जाता है, यानी कि प्रिंट को होल्डर में पेस्ट करने के बाद उसमें क्रिस्टल लिक्विड लेमिनेशन की लेयर बनाई जाती है। उसकी वजह से जो कार्ड की प्रिंट है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, और पानी गिरने पर ये भीगती नहीं है प्रिंट, और ये लॉन्ग लाइफ आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है। तो पूरे साल तक टिके रहने वाला कार्ड जो होता है वो यही कार्ड है जो क्रिस्टल लिक्विड लेमिनेशन से बनाया जाता है। इसकी क्वालिटी, होल्डर की क्वालिटी आप देखेंगे, या क्लैम की क्वालिटी देखेंगे, या लैनयार्ड की क्वालिटी देखेंगे, आपको सभी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे डिजिटल प्रिंट करके लैनयार्ड लगाई गई है। अगर आप चाहें तो स्क्रीन प्रिंट लैनयार्ड, जो कम खर्चे में बन जाता है कार्ड, तो स्क्रीन प्रिंट किया हुआ लैनयार्ड भी आप लगवा सकते हैं। जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से कार्ड को रेडी करके दिया जाएगा। तो आप अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड और उसके साथ साथ टाई, बेल्ट, सॉक्स, टी शर्ट प्रिंटिंग वर्क भी है। आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ किचन नेम प्लेट भी बनाते हैं। अगर उसका आपको इंक्वायरी करना है तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई और प्रोडक्ट के बारे में, रॉ मटेरियल, आइडेंटिटी कार्ड के रॉ मटेरियल के बारे में, या बेल्ट के रॉ मटेरियल के बारे में, या कोई और प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, वो भी आपको दिए जाते हैं। तो इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपको सिखाया जाए कि किस तरह से आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाते हैं, ऑर्डर किस तरह से स्कूल से लिए जाने चाहिए, किस तरह से स्कूल से इंक्वायरी करनी चाहिए कि आपको जल्दी से ऑर्डर मिले, सैंपल पीस कैसे बनाने हैं, सारी चीज़ें वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फाइनली देखिए दोस्तों, पार्सल जो है इस तरह से हम पूरा पैकिंग कर देते हैं, कि पूरी की पूरी लैनयार्ड यहाँ पे हमने लैनयार्ड और होल्डर जो है वो पैक किए। बॉक्स पैकिंग होती है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप लपेटा जाता है, ताकि अगर पार्सल जो है इन ट्रांसिट में कहीं पे भी भीगे तो आपका जो उसमें मटेरियल है वो भीगे नहीं और आप तक सेफली पहुंच जाए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पार्सल को पैकिंग करते हैं।